हेलो गाइस, तो आज मैं आप सबका वेलकम करता हूँ अपने न्यू चैनल जिसका नाम है एजे क्लासेस। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली हम क्या क्या करेंगे, इसमें हम जीके के वीडियो डालेंगे, करंट के वीडियो डालेंगे, एंड अगर और टाइम मिला तो मैथ्स और रीजनिंग के भी वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मई के साथ। तो मई में 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक का जब तक जो डेट्स हमारी निकल गई हैं, ठीक है, उसके करंट अफेयर्स, मोस्ट करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेदर इट इज़ इन एसएससी और बैंक। ठीक है, तो मेनली हम लोग जो फोकस रखेंगे वो एसएससी और बैंकिंग पे रखेंगे। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट्स। नाउ फर्स्ट न्यूज इट इज़ जो नेवी है अपने इंडियन नेवी, वो रिमपैक एक एक्सरसाइज है, द लार्जेस्ट मैरिटाइम एक्सरसाइज, ये होस्ट करेगी कहाँ पे, हवाई में। ठीक है, अभी रिसेंटली में चुन्नी चुन्नी गोस्वामी जो फुटबॉलर थे उनका देहांत हो गया है। वो क्या थे, फुटबॉलर थे। ठीक है, अब एक रिसेंट में एक स्कीम लॉन्च हुई है जिसका नाम है जीवन अमृत योजना। ये किस स्टेट की है, ये आपके एमपी स्टेट की है। कौन से स्टेट की है, एमपी स्टेट की है। अब अगर अपन बात करें मनरेगा की, मनरेगा क्या है, एक बहुत बड़ी स्कीम है जिसके अंदर अराउंड 120 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो ये स्कीम कब लॉन्च हुई, ये स्कीम आपकी 2006 में लॉन्च हुई है। तो इसके इसका हर साल एक सर्वे निकलता है, उस सर्वे में क्या पाया गया कि जो इस साल सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया गया वो कहाँ दिया गया, आपकी छत्तीसगढ़ में दिया गया, और सेकंड कहाँ पे दिया गया, आपका राजस्थान में दिया गया है। ठीक है, ना अगर अपन बात करें इंडिया की इन बजट ट्रांसपेरेंसी, तो इंडिया की कौन सी रैंक है इसमें, 53, और इस लिस्ट को टॉप किसने किया, न्यूजीलैंड ने, और लास्ट पे कौन है, यमन है। ठीक है, नाउ कमिंग टू जी आई टैग, जी वॉट इज़ जी आई टैग। नाउ अगर मैं इफ़ यू टॉक अबाउट जी आई टैग, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, सॉरी फॉर डिले। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट जी आई टैग, ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट जी आई टैग, वॉट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जी आई टैग, इट इज़ ज्योग्राफिक इंडिकेशन। अगर मैं इसको हिंदी में प्योर भाषा में समझाऊँ तो क्या है ये जी आई टैग, जी आई टैग उन चीज़ों को दिया जाता है, जैसे सपोज़ करो किसी स्टेट की कोई चीज़ बहुत अच्छी है तो उस चीज़ को जो बिल्कुल यूनिक है उसको जी आई टैग दिया जाता है। तो ऐसे ही एक मिठाई है तमिलनाडु की, जैसे कोवलपट्टी कडल है मिठाई, तो उसको क्या है, जी आई टैग दिया गया। तो आपको मेनली क्या याद रखना होगा कि उस मिठाई का नाम और कौन से स्टेट से, क्योंकि जी आई टैग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नाउ अगर अब एक बुक आई है द रूम वेयर इट हैपेंड, द रूम वेयर इट हैपेंड, इसकी ऑथर कौन है, इसके ऑथर है आपके जॉन बॉल्टन। ठीक है, आ गया सबको समझ में, बढ़ू मैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब चलते हैं अपने जापान पे। जापान का सबसे हाईएस्ट एक्सलेंट अवार्ड है द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, याद आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, हर एक्सीलेंट अवार्ड मोस्टली किससे यूज शुरू होता है, द ऑर्डर से। ठीक है, एंड जापान है तो राइजिंग सन दिया गया होगा, तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन इज़ द हाईएस्ट एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर जापान। नाउ ये किसको दिया गया, ये दिया गया आपके थंगजाम शाबाद सिंह को दिया गया है। ठीक है, नाउ कमिंग टू सेकेंड वन, डेट इज़ एक्विजिशन। अगर एक्विजिशन के पॉइंट पे देखें तो मनुलाइफ कंपनी है जो कहाँ की है, कनाडा की, उसने 49% स्टेक एक्वायर्स कर लिए हैं, 265 करोड़ हुए इन महिंद्रा एएमसी। ठीक है, ना ऑथर ऑफ द बुक फिर अगेन सायजीराव गायकवाड थर्ड, ये किसने लिखी, ये लिखी आपकी उमा बाला सुब्रमण्य। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट इन द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द मिनिस्ट्रीज, तो क्या होता है बेसिकली, अब अपने इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आर देयर, एंड इन दैट डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज देयर आर डिफरेंट सेक्रेटरीज आर देयर ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। सो
नाउ इफ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक अफेयर्स, हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, दैट इज़ तरुण बजाज. नाउ इफ यू टॉक अबाउट MSME, दैट इज़ अरविंद कुमार शर्मा. वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अजय तिर्के. रोड ट्रांसपोर्ट के कौन बनाए हैं अभी, गिरधर अरमाने को बनाया गया. शिपिंग के कौन बनाए गए हैं आपके, संजीव रंजन को बनाया गया. ठीक है सर, आगे सबको समझ में. अब अपन बात करते हैं न्यूजीलैंड के क्रिकेट अवार्ड्स की. अब आप देख, आपको पता है कि यार कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो कोरोना के चक्कर में कोई भी चीज़ लाइव तो हो नहीं सकती, रियल तो हो नहीं सकती. तो ये जो आपके क्रिकेट अवार्ड्स थे ये वर्चुअली होने थे, क्योंकि होने हैं लेकिन वर्चुअली हुए हैं. ठीक है, तो अब इन अवार्ड्स की बात कर लेते हैं. इसमें सबसे पहला अवार्ड सर रिचर्ड हेडली अवार्ड, ये किसको दिया गया, ये आपके दिया गया रॉस टेलर को. फिर सेकंड पे अगर बात कर लें तो बर्ड स्विच लिफ अवार्ड किसको दिया गया, ये दिया गया है इयान स्मिथ को. T20 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया, रॉस टेलर को दिया गया है. इंटरनेशनल टेस्ट प्लेयर किसको दिया गया, टिम साउदी को दिया गया है. ODI प्लेयर ऑफ द ईयर किसको दिया गया, ये दिया गया है आपके केन विलियमसन को. एंड एम्पायर ऑफ द ईयर दिया गया टिम कॉटन को. ठीक है, अब अपन ने GI टैग की बात करी कि GI टैग क्या है, दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग. ठीक है, अब पहले अपन ने एक पढ़ा, अब यहाँ पे तीन और को दिए गए हैं. ठीक है, तो पहला है ब्लैक राइस, थर्ड सेकंड है टेराकोटा, और थर्ड है आपका सेफ्रॉन. ठीक है, ब्लैक राइस कहाँ से है, ब्लैक राइस आपकी मणिपुर से है, टेराकोटा कहाँ से है, गोरखपुर से है, और सेफ्रॉन कहाँ से है आपका, कश्मीर से है. तो ओवरऑल कितने आपके GI टैग हो गए, चार GI टैग हो गए 4 दिन में. ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि यार कितना इम्पोर्टेंट है ये अपने लिए. ठीक है, नाउ कमिंग टू निकाई एशिया प्राइस 2020. तो अगर साइंस की फील्ड की बात करें तो ये किसको दिया गया, थैलाफिल प्रदीपी को दिया गया. और अगर इन द फील्ड ऑफ कल्चर बात करें तो ये राम प्रसाद कडेल को दिया गया. नाउ एक लोन स्कीम लॉन्च हुई जिसका नाम है विकास अभाया, ये किस बैंक ने लॉन्च करी, ये करी आपके कर्नाटका ग्रामीण बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, धारवाड़. एंड धारवाड़ कहाँ पे है, धारवाड़ आपका कर्नाटका में है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है कर्नाटका, तो सिंपल सी बात है हेडक्वार्टर भी कहाँ पे होगा, कर्नाटका में होगा. ठीक है, अब गूगल पे इंडिया का जो एडवाइज़र है, अब सिंपल सी बात है गूगल पे इंडिया का एडवाइज़र इम्पॉर्टेंट है, तो दैट इज़ कृष्णा शर्मा. ठीक है, डायरेक्टर ऑफ IIIP, इसके डायरेक्टर कौन बनाए हैं, दैट इज वैंग रोंग बनाई गई है. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू इंडियाज एम्बेसडर टू ब्राज़ील, दैट इज सुरेश के रेड्डी. ठीक है, प्रेसिडेंट एंड MD एंड CEO ऑफ HMSI, दैट इज हीरो मोटर्स. ठीक है, तो दैट इज अतुशी ओगाटा. ठीक है, हेड कोच ऑफ FC गोवा, दैट इज जुआन फर्नांडो. CM कोविड योद्धा कल्याण योजना, अगेन दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, दिस इज स्टेट स्कीम, तो यू हैव टू लर्न द स्टेट स्कीम, दैट इज CM कोविड योद्धा योजना, दैट इज रिलेटेड टू MP. नाउ हु इज द CM ऑफ MP, इट इज ही इज शिवराज सिंह चौहान, प्रीवियसली इट वॉज कमलनाथ सिंह. नाउ इफ यू टॉक अबाउट YSR जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम, नाउ इफ दिस पर्टिकुलर स्कीम कम इन योर एग्जाम, वी हैव टू डेफिनेटली मार्क अप आंध्र प्रदेश. वाई, बिकॉज दिस पर्टिकुलर स्कीम स्टार्ट विद YSR, एनी स्कीम दैट इज स्टार्ट विद YSR बिलोंग्स टू द आंध्र प्रदेश. नाउ इस स्कीम का फ़ायदा क्या है, इस स्कीम से आपके जो वुमेंस के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको बहुत ज़्यादा यू हेल्प होगी. नाउ अब अपन बात करते हैं CM शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये कहाँ की है, ये आपकी है हिमाचल प्रदेश की. ये क्या है, ये भी आपकी बिल्कुल मनरेगा की तरह है. जैसे मनरेगा में क्या है, एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, मनरेगा का नाम जब भी आ जाता है तो सिंपल सी बात है इसमें भी उसी का नाम, इसमें आपको जो हिमाचल प्रदेश के जो CM हैं उन्होंने कहा है कि इसमें आपको एश्योर्ड 120 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, नाउ
वर्ल्ड बैंक, अब वर्ल्ड बैंक ने क्या 400 मिलियन डॉलर दिए इंडिया को, क्यों? क्योंकि वो अपने जो कोस्टल एंड मेराइन रिसर्व उसको सही कर सके, ठीक है। अब सिंपल सी बात, अब वर्ल्ड बैंक का बात आ गई, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज़ वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड टूना डे अपन कब मनाते हैं? वर्ल्ड टूना डे 2 मई को मनाते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये कब है? ये 3 मई को है, ठीक है। इस दिन का थीम क्या है? जर्नलिज्म विदाउट फेयर, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2020 कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होगी? आपकी हैग एंड नीदरलैंड में होगी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2020 इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की इसमें रैंक है 142, और इसको जो टॉप किया है वो किया है नॉर्वे ने, ठीक है। एक प्लेयर है जिनका नाम है संदीप कुमारी, इनको बैन कर दिया गया है 4 साल के लिए। किस गेम से थी? ये थी आपकी डिस्कस से, ठीक है। RBI ने अभी रिसेंटली में एक कोऑपरेटिव बैंक है, CKP कोऑपरेटिव बैंक, जिसका लाइसेंस क्या है, कैंसिल कर दिया है। और ये कहाँ की बैंक है? ये आपकी मुंबई बेस्ड बैंक है, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट रिस्क, चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ यस बैंक, इट इज़ नीरज शारवान, ठीक है। जो यस बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर कौन है? नीरज शारवान है। डायरेक्टर ऑफ NTPC कौन है? रमेश बाबू है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है NTPC का? दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। पीटर एबडन ने अभी हाल ही में रिटायर ले लिया। ये कौन है? ये आपके स्नूकर के प्लेयर हैं, काफ़ी अच्छे फेमस प्लेयर है, ठीक है ना। इफ वी टॉक अबाउट द 4th मई, 4th मई सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। कैसे मनाया जाता है इसको? इंटरनेशनल फायर फाइटर डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब एक सॉन्ग रिलीज हुआ है बाय द SDFC बैंक, तो इस सॉन्ग का नाम क्या है? हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, अब हर कोई ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई बैंक, हर कोई यही अपने आप में ये सपोर्ट कर रहा है कि कोरोना के लिए हम कैसे लड़ें। तो उस चीज़ के लिए HDFC बैंक ने क्या एक सॉन्ग रिलीज़ किया, उसका नाम क्या है? हम हार नहीं मानेंगे। अब एक लोकपाल थे इंडिया के, दैट इज़ AK त्रिपाठी, तो इनका रिसेंटली में देहांत हो गया, तो आपको बस उनका नाम याद रखना है और उनकी पोस्ट याद रखनी है, ठीक है, सिंपल सा। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट 2021 एक्विस्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप, अब ये कब होगी? ये होगी आपके 2022 में, क्योंकि 2021 में क्लैश होगा, तो इसलिए 2022 में होगी, ठीक है। कहाँ पे होगी? फुकुओका में होगी। फुकुओका कहाँ? आपका जापान में है, ठीक है ना। अब अगर इसका थोड़ा स्टैटिक की बात कर लें, तो सबसे पहले आती है फिना, दैट इज़ FINA, क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन। कहाँ हेडक्वार्टर है? लॉजन, स्विट्जरलैंड के लॉजन में है, ठीक है। स्पीकर ऑफ कजाकिस्तान अपर हाउस कौन बने? मौलान अशिम्बे बाइब, ठीक है। क्या करेंसी? न्यू सुल्तान इसकी करेंसी, कैपिटल है एंड करेंसी इसकी टेंगी है। प्रेसिडेंट कौन है इसका? कासिम जोमाट है, ठीक है। रिसेंटली में झारखंड ने 3 स्कीम लॉन्च करी है फॉर जॉब क्रिएशन, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोरोना के चक्कर में लोगों की इतनी जॉब छीनी जा रही हैं और छीनी जाएंगी, जिसके लिए अभी से फ्यूचर प्लानिंग हो रही है कि जॉब को लेके दिक्कत ना आए स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट में, इसलिए अपनी हर स्टेट गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर रही है, ठीक है। तो झारखंड ने 3 स्कीम लॉन्च करी, दैट इज़ BHGY, MPI, MPJSY, VSPHVKVS, ठीक है। फुल फॉर्म आप इसका पढ़ लेना, इसमें लिखा हुआ है, मैं आगे बढ़ता हूँ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। नो DRDO ने क्या एक UV ब्लास्ट डिसइंफेक्शन टावर लॉन्च किया है, ठीक है। DRDO तो आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको सिर्फ याद रखना यूवी, यूवी मींस अल्ट्रा वॉयलेट ब्लास्टर इन्फेक्शन टावर। इस ये क्या है बेसिकली, इसमें आप कोई भी चीज़ रखोगे तो अगर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल होगा तो उसका वायरस तुरंत मर जाएगा, ठीक। हेडक्वार्टर ऑफ DRDO ये कहाँ पे? आपका न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन इसके कौन है? GS सतीश रेड्डी है। नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च द सरस कलेक्शन ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट, जिसको बोलते हैं GEM पोर्टल, ठीक है। उमरिया पुलिस ने एक संकल्प
स्कीम लॉन्च करी है यूएस फर्म दैट इज सिल्वर लेक, उसने क्या 1.15% स्टैक परचेज किए हैं किसमें, जियो प्लेटफॉर्म में, ठीक है। अब रशिया की बात करें, रशिया ने लॉन्च किया अपना पहला अर्टिका एम सेटेलाइट। रशिया की कैपिटल क्या है, रशिया की कैपिटल है मॉस्को एंड करेंसी है रशिया के रूबेल। फेसबुक ने बॉलीवुड के साथ मिलके आई फॉर इंडिया कैंपेन लॉन्च किया है, ठीक। अब अपन बात करें, ठीक है, ये हो गया अपना करंट अफेयर। अब अगर अपन बात करें सम स्टैटिक फैक्ट्स, क्योंकि सिंपल सी बात है, अब सिंपल सी बात है, आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम है जैसे बैंक हो गया, SSC हो गया, डिफेंस हो गया, तो उसमें जो आपका पेपर खुलता है करंट GK का, तो उसमें करंट अफेयर्स तो आता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा उसमें स्टैटिक पोर्शन भी आता है, ठीक है। तो मेरा क्या मानना है, मेरा ये मानना है कि यार अब मार्केट में इतनी घनी सारी स्कीम्स हैं आपकी, ठीक है, तो वो ना याद करके आप पर्टिकुलर पर डे भी, अगर पर 2 दिन भी आप CCC के फॉर्मूले से कैपिटल्स एंड करंटी कंट्री कैपिटल करेंसी याद कर, तो दैट इज़ मोर देन सफिशेंट, ना कि घनी सारी ट्रिक बना, क्यों कितनी क्यों क्या फ़ायदा है इतनी सारी ट्रिक बनाने, ठीक है। तो वो लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, आपको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें सारी करेंसी कंट्री कैपिटल करेंसी है 10 है, टॉप 10 की हैं, ठीक है। अगला मैं जब वीडियो डालूंगा तो उसमें 10 डाल दूंगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द ट्रिक ऑफ द डे, G7 नेशंस, ठीक है। तो अब G7 की हर बार मीटिंग होती है, ठीक है। अब उसके नेशंस, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ऑड वन आउट में पूछ लिया जाता है, रीजनिंग में या आपके GK में एज अ कंट्री में पूछ लिया जाता है कि यार कितनी कंट्रीज हैं या इनमें से कौन सी नहीं है, तो उसका उसकी ट्रिक है। तो उसकी ट्रिक क्या है, सूजी गैबरेज, C फॉर कैनेडा, U फॉर USA, J फॉर जापान, I फॉर इटली, GE फॉर जर्मनी, BRI फॉर ब्रिटेन एंड F फॉर फ्रांस, ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई न्यू चैनल फॉर सपोर्ट मी।